जहाँ इस आधुनिकता के युग में लोग छोटे से विवाद में भी बात बात पर बंदूक व असली तन जाते हैं, वहीं आज एक ऐसा मामला देखने को मिला जिसमें आदिम युग के हथियार छह मुखी भाले से मारकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया। जिला अस्पताल में घायल अवस्था में आया ये युवक देवगांव कोतवाली क्षेत्र के हीरापुर मछहटी गांव का निवासी है। वर्तमान में वह सरायनी थाना क्षेत्र के चक टेपकर गांव स्थित ननिहाल में मिले निवासी पर परिवार सहित रहता है। संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर उसके मामा से कुछ दिनों से तनाव चल रहा था। शुक्रवार की सुबह बच्चों के विवाह को लेकर उसके मामा व पुत्र ने राजन रायन को भाले से प्रहार कर घायल कर दिया। सबको भी मारे और दो बच्चे के मारे, हमारे दो बच्चे हैं, औरत को मारे, मेरी बुढ़ी माँ है उसको मारे, और सीमेंट का पत्रा है वो सब फोड़ दिए हैं पूरा। अभी नया घर बनवाया मैं, के पास तीन बरछा था और एक इधर मारा मेरे को, जब मैं गिर गया तो लेके भाग गया वो, औरत का हाथ टूट गया। बस यही बात है, हमारी पहले से वो सबसे दुश्मनी है, हमारे बाप को मारे थे और वो बोलते हैं कि हम तुमको भी मारेंगे। वही उसकी पत्नी चंपा का कहना है कि बीच बचाव करने पहुंची उसे भी पट्टीदारों ने नहीं बख्शा और उसे भी मारने लगे। मतलब पट्टीदार हैं लोग ना पड़ोस में, तो हमारे पति ने अपने बच्चे लोगों को मतलब मार रहे थे, वो लोग सोचे कि मुझे गाली दिया मेरे पति को, वो लोग डायरेक्ट मारना स्टार्ट किया, हम गए तो हमको भी मारना चालू किया। वही जिला अस्पताल के चिकित्सक का कहना है कि घायल व्यक्ति का ऑपरेशन कर भाला को निकाला जा सकता है। इसमें एक ऐसे औजार से मारा गया है जिसमें पाँच छह पार बने हुए हैं और छह में से पाँच ने अंदर घुस गए हैं, एक बचा हुआ है, पाँच घाव हैं और उसके बाईं थाई पे जांग पे है, उसको ऑपरेशन के लिए भेज दिया गया है, एक्सरे होने के बाद ऑपरेशन हो जाएगा। कुमार संजीव की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश, आजमगढ़।